अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त की अध्यक्षता में प्रस्तावित नई राजस्थान प्रोत्साहन योजना 2024 RIPS 2024 के प्रारूप की तैयारी के लिए सुझाव विचार के संदर्भ में सचिवालय स्थित कन्वेंशन हॉल में बैठक आयोजित की गई। बैठक में भिवाड़ी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष चौधरी जसवीर सिंह राणा, पूर्व अध्यक्ष सुरेंद्र चौहान ने हिस्सा लिया। भिवाड़ी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने RIPS 2024 के महत्वपूर्ण सुझाव बैठक में प्रस्तुत किए। MSME को अतिरिक्त लाभ के अलावा बड़े पैमाने की इकाइयों के बराबर अन्य सामान लाभ दिए जाने, आयातित सेकेंड हेड प्लांट और मशीनरी पर किए गए निवेश को EFCI में शामिल करने, जैसा कि 1987, 1989 और 1998 की बिक्री पर छूट योजनाओं में पहले माना गया था। किसी इकाई के पट्टेदार को शेष अवधि के लिए RSIPS का लाभ भी दिया जाना चाहिए, क्योंकि यह हस्तांतरित इकाई के मामले में अनुमत है। बंद इकाई चालू इकाई के हस्तांतरण के मामले में हस्तांतरित को आगे निवेश की शर्त पर कुछ लाभ दिया जाना चाहिए। योजना के संचालन के दौरान वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने वाली इकाइयों को पहले की योजनाओं के तहत स्टाम्प ड्यूटी लाभ लागू करने या प्राप्त करने के मुद्दे को नजरअंदाज करते हुए RIPS 2024 का लाभ दिया जाना चाहिए। योजना 2022 में निवेश सब्सिडी SGST प्रतिपूर्ति का लाभ उत्पादन शुरू होने की तिथि से शुरू होता है तथा पूंजी सब्सिडी और टर्नओवर लिंक्ड प्रोत्साहन के मामले में लाभ प्रमाण पत्र जारी होने की तिथि में शुरू होता है। निवेश EFCI किसी भी अस्पष्टता से बचने के लिए इन दोनों शब्दों को योजना में अलग अलग परिभाषित किया जाना चाहिए। किसी भी अस्पष्टता से बचने के लिए इन दोनों शब्दों में अलग अलग खंड होने चाहिए। NCLT के आदेश द्वारा अर्जित संपत्ति, बंद इकाइयों का पुनरुद्धार और DLSC, SLSC की शक्तियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए आदि सुझाव से अवगत करवाया गया।